रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि हाथरस से आ रही है। आपको बता दें कि हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लूट की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की थी और मुठभेड़ में दो सिपाहियों को गोली लगी है। पुलिस कर्मियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिकंदरा राव थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो मुठभेड़ में दो सिपाहियों को गोली लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं समाचार प्लस पर। घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुलिस को लूट की सूचना मिली थी और इस सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां जाकर इलाके की घेराबंदी करनी चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान मुठभेड़ हो गई बदमाशों में और पुलिस के बीच, और दो पुलिस कर्मियों को गोली लगी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे अपने संवाददाता देवेंद्र पराशर का। देवेंद्र, क्या अपडेट है इस मामले में और कौन लोग थे, ये अपराधी थे कौन थे, कुछ पता चल पाया कि आखिर मुठभेड़ किस वजह से हुई? जिंदा पुलिस को एक फोन नंबर पर सूचना मिली थी कि बदमाश लूटपाट कर रहे हैं। उसी सूचना पर जो लेपड़ के लोग थे, ये लेपड़ जो होती है इसमें दो पुलिसकर्मी एक बाइक पर होते हैं, और वो जहाँ भी सूचना मिलती है जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंच सके इसलिए वो रोड पर रहते हैं। लेपड़ को सूचना दी गई, लेपड़ जैसे ही घटनास्थल की तरफ गई तो वहां बदमाशों ने इन पर फायरिंग कर दी। दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको अलीगढ़ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जी देवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दो सिपाहियों को इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिकंदरा राव थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। आपको बता दें कि दरअसल लूट की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की थी और इसी दौरान मुठभेड़ हो गई।